हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, होली आने वाली है और होली में हम लोग तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं। उसी में से एक रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, दालमोठ की। हम लोग इसे मिक्सचर भी बोलते हैं और ये बहुत चटपटी और हेल्दी बनी है। बहुत सारे इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं और ये सारी चीज़ें आपके घरों में, आपके किचन में अवेलेबल होती है। तो आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और इस होली पे सबको खिला के उनका दिल जीत सकते हैं। और अगर आप शाम को कुछ चटपटा चाय के साथ खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आप ही लोगों के लिए है, और बच्चों के लिए ये तो बहुत ही अच्छी है। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए चने की दाल। तो यहाँ 400 ग्राम मैंने चने की दाल ली है। अगर आप चाहें तो इसे मूंग दाल के साथ भी बना सकते हैं। तो चने की दाल को एक बड़े से बर्तन में हम लोग डाल देंगे, क्योंकि हमें इसे फुलाना है। तो बहुत अच्छे तरीके से, जब बड़ा बर्तन होगा तो अच्छे से ये सोक्ड होगा। अब जितना भी आप डाल लेंगे उसके तिगुना आपको इसमें पानी को डाल देना है। और इसे और भी चीज़ें ऐड करनी है, मैं आपको बताती हूँ। इसमें हम ऐड करेंगे एक चम्मच सोडा। तो ये खाने वाला सोडा सबके घरों में होती है, और ये सोडा डालने से आपका जो दालमोठ बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। अब इसे 8 घंटे के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी सॉफ्ट होने के लिए। 8 घंटे बाद ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से फूल चुका है ये। तो आप इसे रात में भिगो करके छोड़ दें और सुबह इसे बना लें। तो आइए इसके आगे के प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ पे सारे पानी को मैंने छान लिया है, और उसके बाद आपके घर में कोई सा भी कॉटन कपड़ा हो, कोई दुपट्टा वगैरह हो, तो उसके ऊपर इसे फैला दें। इस तरीके से चारों तरफ इसको डाल के आपको फैला देना है, ताकि जितना इसमें पानी है वो सारा पानी सूख जाए। अब इस दाल को फैला के किसी पंखे के सामने रख दीजिए और इसे अच्छे से इसका पानी जो है वो सूखने दीजिए। तो मैंने करीबन 15 से 20 मिनट तक इसे लगातार चलाया था और पंखे के सामने रख दिया था। और जो चीज़ें इसमें पड़ेगी वो आपको बताती हूँ। यहाँ एक कटोरी मैंने बादाम लिया है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने नारियल को बहुत पतले पतले से स्लाइसेस में काटे हैं, थोड़े से काजू लिए हैं, और थोड़े से मैंने यहाँ पे किशमिश लिया है। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे घरों में होती ही हैं बहुत ही आसानी से। उसके बाद आपको मीडियम साइज़ वाला जो है वो पोहा ले लेना है। और स्पाइसेस इसका रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच जीरा, थोड़े से काली मिर्च, और यहाँ पे मैंने सूखी 3 लाल मिर्च ली है। इसे सबसे पहले हम लोग ड्राई रोस्ट करके मसाला तैयार कर लेते हैं। तो गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे हाई फ्लेम पे ही लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तो जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और ये बहुत अच्छे तरीके से भून के गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तब हम इसे निकाल लेंगे। आपको जब खुशबू आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मसाला जो है वो पीसने के लिए रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप देखिए, ये बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसका अच्छा सा पाउडर रेडी कर लूँगी। यहाँ पे आप देखिए, 20 मिनट बाद ये बहुत अच्छे तरीके से पानी जो है वो सूख चुका है। और अगर आपको लगे कि थोड़ी पानी बची हुई है, तो इस तरीके से आप कपड़े से रगड़ दें इसे चारों तरफ से, तो जो भी बचा हुआ इसमें पानी होगा वो अच्छे से इस कपड़े में आ जाएगा और ये बढ़िया से सूख जाएगा। तो ये पूरी तरीके से तैयार है आगे के प्रोसेस के लिए। अब हम कढ़ाई को रख देंगे गैस पे और इसमें रिफाइंड ऑयल को ऐड करेंगे। तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें आप डालें, वैसे ये ज़्यादा तेल सोखेगा नहीं, लेकिन तेल ज़्यादा होना चाहिए। फिर एक चने का दाल डाल के हम चेक कर लेंगे कि गर्म हुआ है कि नहीं कढ़ाई। तो यहाँ पे ये ऊपर आ गया था, तो फ्लेम को अब हम लोग लो फ्लेम पे कर देंगे, क्योंकि इसे हाई फ्लेम पे आप करेंगे तो ये टाइट हो जाएगा। अब बहुत ही थोड़ा क्वांटिटी में आप देख सकते हैं मैंने लिया है, और इसमें मैं डाल दूँगी और इसे लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। ये अपने आप ही ऊपर आने लगेगा, तब हमें समझ जाना चाहिए कि ये हो चुका है। ये देखिए, बन करके रेडी हो चुका है, ये पूरा ऊपर आ चुका है। और आप हाथों से भी इसे प्रेस करके देख लीजिएगा, कलर भी हल्का सा इसका ब्राउन होगा, बिल्कुल भी हल्का सा। तो ये हो चुका है पूरा। तो अब अच्छे से इस तरीके से पानी जो तेल है उसको निचोड़ते हुए हम अलग बर्तन में इसे निकालते जाएंगे, और ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगा क्योंकि हमने इसमें सोडा डाला है। और बस एक एक
कलछुल लेते हुए मैं इसमें डालूंगी और इस तरीके से इसे अच्छे से छान लूंगी। बहुत ज़्यादा आप ना डालें वरना ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है, और फ्लेम को भी हल्का सा मीडियम से ज़्यादा रखें। तो सारा दाल को इसी तरह फ्राई करने के बाद जो मूंगफली मैंने ली है उसे भी डाल दूंगी और मीडियम फ्लेम पे इसे भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लूंगी तेल में ही। तो ये भी बहुत ही अच्छा लगेगा इसमें डालने से, और बहुत जल्दी ये फ्राई हो चुका है। तो ये देखिए, इसको भी इसी तरीके से तेल को, एक्स्ट्रा तेल को निकालते हुए चने वाले ही बर्तन में मैं निकालते जाऊंगी इसे भी। अब सेम प्रोसेस से काजू और बाकी जो सारी चीज़ें हैं, नारियल हम एक साथ ही फ्राई कर लेंगे। बस आपको किशमिश को जो है वो फ्राई नहीं करना है, उसे आपको ऐसे ही डाल देना है मिक्सचर में। तो फ्लेम इस टाइम लो ही रखें वरना ये फटाफट से बहुत रेड हो जाती है। तो ये देखिए, जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसको हम लोग निकाल लेंगे। ये बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो इस तरीके का चटपटा चीज़ खाना पसंद करते हैं, तो बाहर की चीज़ें देने से अच्छी है कि थोड़ी सी आप मेहनत करके बना लें, और इसे आप बहुत दिनों तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। अब इसी तरीके से बिल्कुल थोड़े थोड़े पोहा को डालते हुए हम लोग छान लेंगे। ये भी बहुत ही जल्दी हो जाती है, तो इसे हम लोग हाई फ्लेम पे ही छान लेंगे, क्योंकि लो फ्लेम पे ये टाइट हार्ड हो जाएगी और अच्छे तरीके से फूलेगी नहीं। तो पोहा को आप लोगों को हाई फ्लेम पे ही फ्राई कर लेना है। मेरे घर में बच्चों को ये बहुत पसंद आती है और मैं हमेशा ही इसे बना करके रखती हूँ शाम के चाय के साथ। ये बहुत ही अच्छी लगती है, या घर में आपके कोई लोग भी आ जाए तो आप चाय के साथ दे सकते हैं, ये बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने फ्राई करके निकाल ली है। अब ऊपर से मैंने जो किशमिश रखे हुए थे वो डाल दूंगी, और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने स्पाइसेस रोस्ट किए थे उसका देखिए कितना सुंदर पाउडर बन चुका है। तो अब इस सारे पाउडर को मैं इसमें मिला दूंगी। अगर थोड़ा सा आप कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा कम ही डालें। अब इसमें काला नमक को मैं ऐड करूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये काला नमक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये काफ़ी सुपाच्य भी होता है काला नमक, तो आप इसे ही ऐड करें। अब हाथों की मदद से अच्छे तरीके से पूरा मिक्स कर लेना है आपको। यहाँ पे आप देखिए, ये लगातार मैंने इसे हाथों से मिक्स किया है ताकि मसाले और नमक हर एक दाने के साथ मिक्स हो जाए, और ये हमारा जो है होममेड मिक्सचर या बोलिए दालमोट रेडी हो चुका है। तो अब इसे सर्व करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, है ना ये बहुत ही टेस्टी। बाज़ार में भी इससे अच्छी आपको रेसिपी नहीं मिलेगी, और बाज़ार से भी आप इतनी अच्छी दालमोट नहीं खरीद पाओगे। घर में ही इसे आप बना सकते हैं ईजिली। तो मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर शेयर करें और मुझे कॉमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये रेसिपी मेरी दीदी की है, उनके घर में हमेशा ये बनता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैंने सोचा कि ये रेसिपी आप लोगों के साथ मैं इसे शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी अपने घर में इस तरह की अच्छी रेसिपी बना सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम इसी तरीके के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।